गार्डनर्स, वेलकम बैक टू आर डेली गार्डन व्लॉग सीरीज़। आज हम विंटर वेजिटेबल्स के कुछ बीज सो कर रहे हैं और बाकी कुछ लेफ्ट आउट बीज हम कल परसों तक सो कर लेंगे। ये देखिए, हमारे पास कुछ बीज हैं, हमने ये सो करके रखा था। करेला, गिल्की, मटर और टमाटर के बीज देखिए सोक्ड हैं। ये हमारा सॉइल मिक्स सीड सो करने के लिए। इसमें 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट है। ये बहुत ही अच्छा सॉइल मीडियम होता है सीड्स ग्रो करने के लिए। तो आप ध्यान रखें कि आप ऐसे, देखिए मैंने ऐसे कप्स लिए हैं, ऐसे डिस्पोजेबल रियूजेबल जो घर में हमारे पड़े थे वेस्ट, तो मैं इसी में सीड्स उगाऊंगा अपने। देखिए हमारे सीड्स हैं, ये इसमें रखे हैं और इसमें रखे हैं। ये हमारे मटर के बीज देखिए, हमने ऐसे सॉइल मिक्स जो है ये हमने भर लिया इसमें कप्स में, और हम ऐसे दो दो मटर के सीड्स इसमें लगा देंगे। इस तरह से, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसे सॉइल के लिए डाल देंगे। और इस पे भी हम डाल देंगे थोड़ी सी सॉइल के लिए। हम थोड़ा सा एकदम बहुत आराम से पानी डालेंगे ताकि बीज को कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि आप ऐसे आराम से सॉइल को मॉइस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे से आप इसमें डाल लीजिए पानी, तो ताकि, और कोशिश करिएगा कि सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहे। तरह से टमाटर के सीड्स डालेंगे। देखिए टमाटर के सीड्स से एक एक करके आप गैप में डालें। टमाटर भी अब सेम वही मिक्स जो मैंने आपको बताया है उसी मिक्स में आप बनाएं। देखिए मैंने ऐसे चार पांच सीड्स डाल दिए हैं, और ऐसे आप पानी दे दें थोड़ा आराम से, ताकि सीड्स का डिस्टेंस डिस्टर्ब ना हो, सीड्स एक ही जगह रहें। अब हम लगाएंगे करेले का सीड। ये देखिए ऐसे हम लगा देंगे इसको, और इसको ऐसे ढक देंगे। हमारा गिलकी का बीज, और हम इसमें देखिए ये भी आज लगाने वाले हैं। ऐसे आप लगा दीजिए, ऐसे इसको ढक दीजिए, तो ये भी जल्दी से ग्रो कर जाएगा। और आपको किसी भी तरीके के और अपडेट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ये हमारे पालक के बीज देखें, कुछ बीज हम यहाँ पे इधर लगाने वाले हैं ये वाले गमले में। तो ऐसे आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पालक के बीज ऐसे गाड़ दीजिए। आपको पहले ही मैंने वीडियोस में बताया है कि पालक के बीजों को थोड़ा गैप में लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो उसकी जड़ है और ये प्लांट है बहुत सही तरीके से ग्रो करता है। मैंने इसमें और लगाए हैं बीज, तो जैसे ही अपडेट आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और हमारे जो भी हमने वेजिटेबल्स लगाए हैं विंटर वेजिटेबल्स, जैसे जैसी जैसी ग्रोथ होगी मैं आप सारे अपडेट्स आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।